ये सर जी मैदान पांचवें महीने में खुलता है, अच्छा चौथे पांचवें महीने में। अभी हमने जाना है मैदान मेडोज, जो कि यहाँ से रास्ता जाता है, ये सामने रास्ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ ज़ाहिद खान और ये है मेरे चैनल ट्रैवल टेल्स। और राइट नाउ आई एम कागान और आज की हमारी एक हाइक है जो हमने जाना है कागान का, जो कागान सिटी में ही उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और जगह का नाम है मैदान शरीफ। सुना बहुत खूबसूरत गांव है, मैं पहले कभी नहीं गया और डिस्टेंस तो नहीं पता, बट कह रहे हैं कि अगर आप आराम आराम से जाएं तो आपको 2 घंटे लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द हाइक, फिर रास्ते में बातें गपशप करते हैं। ये रास्ता जाएगा उस पर हमें जाना है, वहाँ से क्रॉस करना ब्रिज से और फिर वही जीप ट्रैक लेके जो आपको हल्की सी एक लाइन नज़र आ रही है उन माउंटेंस के बैक साइड पे जाना है, वहाँ पे है मैदान शरीफ। एक मैदान है, एक खूबसूरत गांव है, उसकी हाइक है। कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे, लेट्स। ये सामने कागान, उसकी बैक साइड पे हम आ गए हैं कुनहार रिवर को क्रॉस करके और एक जीप ट्रैक ये जा रहा है और एक ये कच्चे वाला जा रहा है, वो बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है और सीधा मैदान की तरह, तो हमें बताया गया कि इसको हमने फॉलो करना है। सो लेट्स फॉलो इट। तकरीबन हाफ ट्रैक करने के बाद आपके रास्ते में आता है ये एक छोटा सा चश्मा, लेकिन ये वाला लेकिन इसका पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है, साफ़ सुथरा। तो ये जो स्ट्रीम्स है रास्ते में, स्ट्रीम्स में मिलती हैं, वहाँ से नहीं पीना, इस चश्मे तक आएँ,
क्योंकि गांव वाले सारे इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से पानी पिएं और रिफिल करें। पूरे 2 घंटे में हमने मैदान की हाइक कंप्लीट कर ली है एंड दिस इज मैदान। एक खूबसूरत सा गांव है जिसमें जिसको भी ये एक्सप्लोर करेंगे फर्दर, लेकिन जो नज़र आया स्ट्रीम्स हैं, फसलें लगी हुई, बहुत खूबसूरत है। जन्नत, बहुत खूबसूरत जगह, स्ट्रीम्स, माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर का एक खूबसूरत जगह मैदान। राइट नाउ आई एम इन मैदान, जो कि कागान से तकरीबन कागान बाज़ार से 5 किलोमीटर के फासले पे एक खूबसूरत गांव है, और एक तकरीबन 2 घंटे की, हमारे लिए शहरी लोगों के लिए 2 घंटे की हाइक है। बहुत खूबसूरत जगह है। मैदान का जो मैदान, ये जो गांव है, इसकी एक यूनिक चीज़ जो फेमस है वो यहाँ पे एक झील है जो अंडरग्राउंड है। तो अभी जा रहे हैं ज़रा उसकी तरफ, ज़्यादा टूरिस्ट उसी तरफ आते हैं।
ये वो जगह है जिसे मैदान कहते हैं या झील कहते हैं, कहते हैं इसके नीचे झील है ना? दलदल। आप बताएं जरा इसका। ये दलदल है। अच्छा दलदल है भाई ये, यहाँ पे मैदान, लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है। और यहाँ अधील आलम, कैसा है ये गांव, कब से कब तक खुला रहता है आपका मैदान जो है? ये सर जी मैदान पाँचवें महीने में खुलता है। अच्छा, चौथे पाँचवें महीने में। सही। तो ये दसवें महीने तक खुला रहता है। ठीक है। तो इधर अभी एक महीना पहले बर्फ़ ख़त्म हो गई है। सही। वो उधर ग्लेशियर वगैरह थे। ठीक है। वो भी ख़त्म हो गए, तो अभी बर्फ़ ख़त्म हो गया, तो अभी ग्यारहवें महीने में दोबारा बर्फबारी इधर शुरू होगी। सही। तो फिर इधर से लोग चले जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। ये फसलें कौन कौन सी लगती हैं यहाँ पे? फसलें इधर आलू लगाते हैं। सही। मटर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद मकई। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और भी बस होते हैं ये सब्जी वगैरह। सही। बाकी स्कूल स्कूल हैं यहाँ पे आपके इलाके में? स्कूल पहले पहले इधर था नज़दीक, तो वो जलजले जब हुआ था ना 2005 में, उसके बाद वो गिर गया था। अभी वो नीचे दूर है, थोड़ा मुश्किल है बच्चों को। ठीक। और वाकई कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी वगैरह? वो भी बस उधर बाजार में है, बाजार जाना पड़ता है से आप आए हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो दो छोटे नन्हे मुन्ने हमारे गाइड मैदान शरीफ से हमें लेकर जा रहे हैं जो यहाँ की फेमस दलदल है उसकी तरफ। पहले जहाँ मुझे लेकर गए जो बच्चे ने बताई थी वो मेरे ख्याल में नहीं है, शायद ये कोई और जगह। लेट्स सी। शाहिद? नहीं, साहिल। साहिल। अच्छा, शाहिद मेरा भाई है। अच्छा, ये साहिल है और ये हमें लाया ये इस जगह। ये देखें, ये जगह हिलती है जी, दलदल है। यही वो दलदल है जिसमें पाकिस्तान 70 सालों से फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला। ये वो दलदल है जहाँ से पाकिस्तान 70 सालों से फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला। ऐसी यूनिक जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये एहसान है और ये साहिल जो हमें इस जगह पे हमारे गाइड थे। थैंक यू बच्चों, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये तो थी वीडियो अबाउट मैदान शरीफ हाइक जो कि कागान में है। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट किसी कागान वैली की खूबसूरत वीडियो में मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।